मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त, साथी, गाइड, मेंटर, टीचर डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी की सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की एक्सरसाइज 9.2 पे आज फोकस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 हम सॉल्व करेंगे जो कि एपी पे बेस्ड है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम क्या होता है। तो ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ है, वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैं आपको फिर से ब्रीफ कर दूं, अ सीक्वेंस ऑफ द टाइप, इस टाइप का एक सीक्वेंस, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। अगर ये देखिए, ये ए प्लस क्या है, यहाँ पर 0d, सेकेंड टर्म में क्या है, ए प्लस 1d, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये थर्ड टर्म है आपकी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगी आपकी ए प्लस 3d, ये आपकी फोर्थ टर्म होगी t4, 3d है तो यहाँ पे फोर्थ टर्म है। तो इस तरीके से इसका nth टर्म होगा ए प्लस एन माइनस 1d, एक उससे कम। देखिए आप यहाँ पे देखिए, T1 में 0d है, T2 में 1d है, T3 में 2d है, T4 में 3d है, तो Tn में क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d। तो nth टर्म ऑफ एन ए पी का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, nth टर्म ऑफ एन ए पी। वॉट इज दिस? दिस इज nth टर्म ऑफ एन ए पी, nth टर्म ऑफ एन ए पी, एक ए पी का nth टर्म। इसको कभी कभी इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, एल। अगर सीरीज यहाँ पर टर्मिनेट होगी तो ये लास्ट टर्म होगी। अच्छा, सीरीज में और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है? तो सीरीज में बीच में प्लस माइनस लगा होता है, सीक्वेंस की जो टर्म्स है, टर्म्स में बीच में अगर मैं यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ ऐसा यूज़ करूँगा तो ये क्या बन जाएगी, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, एक सीरीज के रूप में आ जाएगा। इसको एक सीरीज बोलेंगे। और इसका सम, सम का भी फॉर्मूला आपके पास है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये सम का फॉर्मूला है। या फिर आपने ये वाला सम का फॉर्मूला देखा होगा, एन बाय टू ए प्लस एल। ए क्या चीज है, वट इज ए? तो ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ए यहां पर क्या होगी, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं। एल इज कॉल्ड लास्ट टर्म, टी एन इज कॉल्ड एनथ टर्म, और डी क्या चीज है, डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डी को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप देख लो इसमें, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है डी का, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है डी का, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू nth टर्म माइनस एन माइनस 1th टर्म। ये आपका डी है। डी इज कॉल्ड व्हाट, व्हाट इज डी? डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस। एस एन को क्या कहते हैं, एस एन इज कॉल्ड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, केवल एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम इज एस एन। अगर आपको एनथ टर्म फ्रॉम, ये एनथ टर्म जो है टी एन, ये एनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, ये क्या चीज है, बिगिनिंग है। अगर बिगिनिंग से निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको एनथ टर्म एंड से निकालना हो, एनथ टर्म फ्रॉम एंड, कभी कभी ये भी आता है तो ये आप ध्यान रखना, nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड इसका फॉर्मूला है, एक की जगह आपको वो टर्म यहां से आने की जगह वहां से आएगी,
लास्ट वाली फर्स्ट बनेगी, फिर सेकंड आएगी, सेकंड लास्ट, फिर जो थर्ड लास्ट होगी वो आपकी थर्ड बनेगी। तो उसका फॉर्मूला ऐसा होगा, एल प्लस एन माइनस वन, यहाँ से जाने के लिए प्लस डी से जाते हैं और वहाँ से आने के लिए माइनस डी से आएंगे। तो ये आपका nth टर्म फ्रॉम एंड हो गया, ये भी आप अपने दिमाग में रखें। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 200। क्वेश्चन नंबर वन है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 201 है, 1 to 2001। तो क्वेश्चन नंबर वन है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेके 2001 तक सारे ऑड इंटीजर्स का सम। तो सारे ऑड इंटीजर्स के सम के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका? SN का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन में आपके इसमें लिखा है फ्रॉम 1 to 2001। फ्रॉम लिखा है इसका मतलब है कि 1 भी इंक्लूड होगा और 2001 भी इंक्लूड होगा। बिटवीन लिखा होता तो ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती। तो आपका पहला नंबर हो गया 1, दूसरा नंबर हो गया ऑड 3, तीसरा हो गया 5, अप टू कहाँ तक जाना है आपको? अप टू जाना है आपको 2001 तक। लेकिन अब सवाल क्या उठता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने के लिए ये क्या चीज़ है आपकी, ये ए है, ये क्या चीज़ है आपकी, ये टी एन है, या टी एन भी कह सकते हैं इसको, एल भी कह सकते हो आप। एल का क्या फॉर्मूला है? एल हो टी एन हो, उसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस कितने का है आप देख सकते हो, डिफरेंस है इसमें टी टू माइनस टी वन, थ्री माइनस वन टू, फाइव माइनस थ्री टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू। ये डिफरेंस देखो आप कितने का डिफरेंस है आपको, ये डिफरेंस है आपके पास 2 का डिफरेंस है। तो L का वैल्यू ये हो गया, L मीन्स क्या है, 2001 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस। अब आप 1 इधर भेज दो तो 2001 में से 1 माइनस कर दें, 2001 माइनस 1, इस 2 को नीचे भेज दें आप अपॉन में 2, राइट साइड में क्या बचेगा आपके पास, एन माइनस 1, राइट साइड में बचा एन माइनस 1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2001 में से 1 माइनस किया 2000 डिवाइडेड बाय 2000 और ये माइनस 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1001। SN का कौन सा फॉर्मूला लगाएं? दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, n बाय 2 ए प्लस एल भी लगा सकते हो क्योंकि ये सरल है। n की वैल्यू कितनी है, 1001 डिवाइडेड बाय 2, a इज व्हाट, 1 प्लस 2001, 2001 प्लस 1 2002 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा आपका 1001 और ये हो जाएगा 2002 डिवाइडेड बाय दिस, तो 2002 ये भी 1001 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1001 का स्क्वायर। अब अगर आप इसको स्टाइल से कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैं आपको सलाह देता हूँ, इसको ऐसा लिख लो आप, 1000 प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो, 1000 स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा के कैलकुलेट कर सकते हो 1000 का स्क्वायर। तो इसमें 000 है, 000 और लग जाएंगे, ठीक है ना, और फिर क्या होगा 2AB, तो 2 × 1 × 1000, तो ये हो जाएगा आपका 2000। फिर एक टर्म आएगी a प्लस, ये लिखा a स्क्वायर, ये लिखा 2AB और एक लिखा b स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू अब आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 1 00 2
001, ये आपका आंसर है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल आसान है, कॉन्फिडेंस से करेंगे, साथ साथ बने रहेंगे, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आप चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन लिखा है 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेकेंड, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 डिविजिबल बाय फाइव। तो 5 से डिविजिबल, तो 100 खुद 5 से डिविजिबल है, पर 100 नहीं लेंगे, क्या लेंगे आप, जो 5 से 100 के बाद वाला डिविजिबल है, क्योंकि क्या लिखा है हमें, बिटवीन लिखा है, तो बिटवीन लिखा है तो इसका मतलब है 100 को इंक्लूड नहीं कर सकते। और अगर फ्रॉम लिखा होता तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में फ्रॉम था, तो उसमें आपने शुरू की और आखिरी की वैल्यूज को भी इंक्लूड किया, इसमें नहीं करेंगे। 105 के बाद कौन आ जाएगा, 110, 5 ऐड करते जाओ, आपको मालूम है 5 से डिविजिबल, 115, लास्ट वाला जो है 1000 से जो जस्ट पहले का नंबर है, 1000 से जो जस्ट पहले का नंबर है वो 995 है, देखिए 995, इसके बाद वाला जो 5 से डिविजिबल है वो 1000 ही होगा। अब आप इसमें ए क्या चीज़ है, ए ये चीज़ है, लास्ट टर्म क्या है आपकी, ये है, डिफरेंस कितना है, जैसे पिछली बार निकाला था T2 - T1, T3 - T2, तो ये आपका डिफरेंस आ गया, देखिए इसमें 5 का है, इसमें भी 5 का है, आइडेंटिकल डिफरेंस होना, सबका डिफरेंस एक जैसा। L का क्या फॉर्मूला है आपका, A+N-1D, L आ जाएगा आपका 995 = 105 + N-1 × 5, इससे आपकी किसकी वैल्यू निकल आएगी, इससे आपकी निकल आएगी n की वैल्यू निकल आएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकली थी, 105 को आप उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 995 - 105, ये 5 जो अपॉन में आ जाएगा और माइनस 1 बाद में प्लस 1 में आ जाएगा, ये आपका n आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर ले, 995 में से 105 गए आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 890 को अगर आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तो आप 890 को 5 से डिवाइड कर दें तो देखें क्या आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, ये आपके पास आएगा इसमें 39, 5 से बन जा 35, और फिर आ जाएगा 5 8 जा 40, और प्लस 1 और है तो ये आ जाएगा 179, एन की वैल्यू आ गई आपके पास 179। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, जैसा पहले था वैसा ही अब रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा दे, n/2, n का वैल्यू कितना आपके पास आ गया 179 डिवाइडेड बाय 2, ए मीन्स 105 प्लस 995, तो 179 बाय 2 ये हो गया आपका 1100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 550, तो आपका आंसर हो गया 179 × 550। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करके आंसर लिख दें। तो ये था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 डियर फ्रेंड्स। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और बिल्कुल साथ साथ करते रहें, बेस अच्छा बनाएंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन एन ए पी इफ द फर्स्ट टर्म इज 2,
क्वेश्चन नंबर थ्री, फर्स्ट टर्म इज टू, तो ए की वैल्यू टू हो गई. सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज वन थर्ड ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, फर्स्ट फाइव टर्म्स कौन सी होगी? ए ए प्लस डी, मैं पहले वो लिख दूं, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज दिस, और आपको दिया है सम ऑफ फर्स्ट फाइव, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज इक्वल टू. सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ, वन फोर्थ ऑफ नेक्स्ट, सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स. सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स, और आपको प्रूव करना है, और प्रूव क्या करना है, व्हाट इज टू बी प्रूव, तो प्रूव करना है कि जो इसकी ट्वेंटियथ टर्म है, टी ट्वेंटी, ट्वेंटियथ टर्म जो है इसकी माइनस 112 है, ये हमें प्रूव करना है. तो दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और लॉजिकल है, आप अगर इसको बहुत बेसिक मेथड से करना चाहते हो तो भी अपने पास है डायरेक्ट मेथड से, और अगर आप इसमें कंसेप्ट यूज करना चाहते हो तो भी है. ध्यान से देखो आप, ये सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स क्या होगी इसकी, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए फोर ए फाइव, ये हो गई इसकी फर्स्ट फाइव टर्म्स, और वन फोर्थ ऑफ नेक्स्ट फाइव, नेक्स्ट फाइव कौन सी, ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन और ए टेन, ये नेक्स्ट फाइव टर्म्स हो गई. अब आपके पास जो फॉर्मूला है एस एन, अगर आप इसको फॉर्मूले से करते हैं तो एस एन जो है ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, तो इसको तो आप एस फाइव लिख सकते हो, पर उसको आप एस टेन नहीं लिख सकते, तो उसको एस टेन नहीं लिख सकते तो फिर क्या करें अपन, उसको ऐसा कर दें ए वन ए टू ए फाइव इसमें ऐड कर दें, ए सिक्स ए सेवन से लेके ए टेन तक तो कंटिन्यू है, फिर माइनस भी करना पड़ेगा. क्या माइनस करना पड़ेगा, जो आपने प्लस किया यहां से लेके यहां तक जो आपने प्लस किया वो माइनस कर दें, ए वन ए टू अप टू ए फाइव ब्रैकेट क्लोज, ये आपने माइनस कर दिया. अब देखो अब आप उसको क्या लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो जो दिया है आपके पास एस फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन फोर ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक, अब इसको एस टेन लिख सकते हो माइनस इसको एस फाइव लिख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, कैलकुल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एस फाइव एस टेन माइनस एस फाइव. सिस्टमेटिकली अगर करें एस फाइव को इधर भेज दें, फोर एस फाइव प्लस एस फाइव इज इक्वल टू एस टेन, ये कितना हो गया 5s5 इज इक्वल टू एस टेन. अब आपके पास जो फॉर्मूला है sn का, क्या फॉर्मूला है वो sn वाला, वो देखिए sn का फॉर्मूला है आपके पास n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यहां लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5 इन टू फाइव बाय टू टू ए प्लस
फाइव माइनस वन डी इज इक्वल टू एस टेन, एस टेन का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टेन बाय टू टू ए प्लस टेन माइनस वन डी, ये हो गया आपके पास। अब जो जो जिससे जिससे कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर सकते हैं आप, अभी यहाँ तो टू किसी से हो नहीं रहा, इसमें टू हो रहा है कैंसिल, तो आप चाहें तो एक काम करें, नीचे वाला नीचे वाले टू से कैंसिल कर दें, ये फाइव से इसको उड़ा दें, कितना हो जाएगा आपका फाइव टू जा, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू टू है, तो ए की वैल्यू टू भी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हो जाएगा फाइव ब्रैकेट टू इंटू टू प्लस फाइव माइनस वन हो गया आपका फोर डी, ये हो जाएगा टू ब्रैकेट टू इंटू टू प्लस टेन माइनस वन होगा नाइन डी, अननोन है अभी, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो फाइव देख लें दोस्तों क्या हो गया आपके पास, बिल्कुल आसान है, आप साथ साथ बने रहेंगे, बहुत ही सिंपल और अच्छा मेथड है ये, फाइव फोर जा कितना हो गया, ये फाइव फोर जा आपके पास हो जाएगा ट्वेंटी प्लस, ये भी फाइव फोर जा ट्वेंटी डी, और ये हो गया टू फोर जा एट प्लस टू नाइन जा एटीन डी, अब एटीन डी को इधर भेज दें इसको उधर भेज दें, तो ये ट्वेंटी डी माइनस एटीन डी एट माइनस ट्वेंटी, ये हो जाएगा आपका टू डी माइनस ट्वेल्व, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस सिक्स, और ए की वैल्यू क्या थी टू, यहाँ पे लिख भी सकते हैं बिकॉज ए इज व्हाट, ए इज टू, तो ए की वैल्यू टू है और डी की वैल्यू ये है। अब हमें क्या निकालना था दोस्तों, हमें प्रूव करना था कि ट्वेंटीएथ टर्म वो होगी माइनस वन हंड्रेड ट्वेल्व, तो ट्वेंटीएथ टर्म के लिए आप फॉर्मूला लगा दें, क्या फॉर्मूला है आपका टी एन का, टी एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब टी ट्वेंटी क्या होगा, टी ट्वेंटी हो जाएगा ए प्लस ट्वेंटी माइनस वन इंटू डी, अब ए और डी की वैल्यू डाल दें, क्या है ए और डी की वैल्यू, ए इज व्हाट, ए इज टू, डी इज व्हाट माइनस सिक्स, तो डाल दें टू प्लस, ये हो जाएगा आपका नाइनटीन इंटू माइनस सिक्स, टू प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, नाइनटीन इंटू सिक्स, 19 फाइव जा कितना है 95 है, और 19 सिक्स जा 114, तो ये आ जाएगा 114, तो ये आ जाएगा माइनस 112, तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री। आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर भी बिल्कुल बिल्कुल आसान है, आप साथ साथ बने रहें देखते रहें, आप देख ही रहेंगे कि कितने आसानी से हम इनको सारे क्वेश्चंस को प्रूव करते जा रहे हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी माइनस सिक्स माइनस इलेवन बाय टू माइनस फाइव, इसमें कितनी टर्म्स ऐड कर दी जाएं सो दैट इट्स सम इज माइनस ट्वेंटी फाइव, तो आपसे पूछ रहा है कि इन सारी टर्म्स को ऐड कर दो और आप इसका सम माइनस ट्वेंटी फाइव है तो n की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए n की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो देखिए आप देखें a इज व्हाट, a इज माइनस सिक्स, a इज माइनस सिक्स, d व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, t2 टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, ये दोनों का चेक कर लेंगे तो कंफर्मेशन बढ़ जाएगी,
तो T3 T2 माइनस T1 क्या है, माइनस 11/2 माइनस माइनस 6, तो ये जाएगा प्लस 6। तो नेक्स्ट है T3 माइनस, तो माइनस 5 माइनस माइनस 11/2 ये कैंसिल हो गया। ये देखिए आप, 6 2 12 12 माइनस, तो ये 1/2 आएगा। 2 5 10 माइनस 10 प्लस 11/2 ये भी 1/2 आएगा। दोनों से 1/2 आएगा, कॉमन डिफरेंस इज 1/2। अब आपका SN का जो फॉर्मूला है N/2, इसमें लास्ट टर्म तो नोन है नहीं, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, 2A प्लस एन माइनस 1 × D। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें आप, तो ये वाला देखिए फॉर्मूला कैसे लगेगा। SN कितना है आपके पास, ये SN है, दिस इज SN। तो माइनस 25 इज इक्वल टू N/2 2 × A, A इज वॉट माइनस 6, प्लस N-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 1/2, कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, सबसे पहले एक काम कर देते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 × 25 माइनस 50 एन ब्रैकेट माइनस 6 2 12 प्लस N-1/2। एलसीएम फिर लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लें एन, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो माइनस 24 प्लस N-1/2 और ये आ जाएगा आपका माइनस 50। अब इसको क्वाड्रेटिक बना के सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 को फिर एलसीएम वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 100, वो हो गया माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25 और n मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25n प्लस n स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 25n और माइनस 100 को इधर भेज दे प्लस 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दें ताकि आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाए। तो n की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको इसको स्प्लिट करने में, तो वैसे बहुत सिंपल है तो आपको तकलीफ़ नहीं आएगी, ये 20n माइनस 5n प्लस 100, तो ये हो जाएगा n कॉमन माइनस 5 कॉमन, n माइनस 20 और दूसरा आ जाएगा आपके पास n माइनस 5। तो आपका n का वैल्यू कितना हो गया इससे 20, और इससे n का वैल्यू कितना हो गया आपका आंसर, n का वैल्यू एक तो आ गया आपके पास 20 और दूसरा आंसर आ गया आपके पास n इज इक्वल टू 5। तो ये आंसर आप चेक कर सकते हैं कि आर दे करेक्ट और नॉट। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसा कहा है कि pth टर्म इज 1/Q ऑफ एन AP, इन एन AP, इन एन AP pth टर्म इज 1/Q, qth टर्म इज 1/P। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर भी है, pth टर्म इज दिस, qth टर्म इज दिस, और आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ PQ टर्म्स SPQ, और क्या प्रूव करना है वो भी लिख देता हूं मैं। और आपको दिया है प्रूव दैट SPQ टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स SPQ इज इक्वल टू 1/2 PQ प्लस 1, वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q, इसमें दिया हुआ है P इज नॉट व्हाट Q। तो SPQ अगर आप निकालने गए तो देखो SPQ में क्या प्रॉब्लम आती है आपको, SPQ
एस पी क्यू आपका हो जाता है पी क्यू बाय टू, टू ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी। तो इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है आपको, किसकी, ए की और डी की। ए और डी निकालने के लिए आपको ये कंडीशंस दी हुई है। क्या कंडीशंस है आपके पास, ए प्लस टी पी क्या है, पी एथ टर्म, ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू, और क्यू एथ टर्म क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी। इसको एक नंबर दे दें आप, इसको नंबर टू दे दें, और वन में से टू माइनस कर दें तो क्या फ़ायदा मिलेगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे आती वैल्यू, आपके टेंथ में भी ये क्वेश्चन था, होपफुली आपने देखा होगा। अगर मैं इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं तो ये हो जाता है ए माइनस ए जीरो। इसमें देखो पी माइनस वन डी, इसमें से डी कॉमन ले लें, पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी। अब ध्यान से देखें, ये डी, ये होगा आपका p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू माइनस वन, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस वन कैंसिल। इधर एलसीएम ले लें आप, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। अब p माइनस क्यू नीचे लाएं या ऐसे भी कैंसिल कर दें, इसीलिए आपको दिया है कि p इज नॉट क्या, p इज नॉट इक्वल टू q, तो इसलिए p माइनस क्यू जीरो नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। d का वैल्यू आ गया दोस्तों, डी का वैल्यू आ गया वन अपॉन पी क्यू, डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू जो है ये कहाँ सब्सटीट्यूट करना है हमें, तो डी की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन नंबर वन में या टू में। तो पुटिंग डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू इन वन, वन में रख देते हैं, तो वन में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस अब आपका काम हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन क्यू, और इसको उधर भेज दें, पी माइनस वन अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपॉन में पी क्यू है तो यहाँ भी अपॉन में पी क्यू बना सकते हैं, इसको P से मल्टीप्लाई कर दें और P से डिवाइड कर दें, तो दोनों क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट P माइनस, ब्रैकेट जरूर लगाना याद रखना, तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस वन अपॉन पी क्यू। ए और D की वैल्यू सेम आई तो कोई चिंता की बात नहीं, जो है वो ठीक है, A इज दिस D इज दिस। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको एस पी क्यू निकालना है। तो एस पी क्यू निकालने के लिए मेहनत करते हैं, एस पी क्यू, तो एस पी क्यू का फॉर्मूला लगा दें। एस पी क्यू का क्या फॉर्मूला है, पी क्यू बाय टू, टू इंटू ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, पी क्यू बाय टू, और टू इंटू ए का वैल्यू कितना है, वन अपॉन पी क्यू आप देख लें, प्लस पी क्यू माइनस वन, डी का भी वैल्यू कितना है, वन अपॉन पी क्यू। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप दोनों में से अपॉन में पी क्यू कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा टू प्लस पी क्यू माइनस वन। पी क्यू पी क्यू क्या हो गए, कैंसिल, तो ये हो जाएगा वन बाय टू, अंदर सॉल्व कर लें आप, पी क्यू टू माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन। तो ये आपने प्रूव कर दिया। तकरीबन 34 मिनट्स हुए हैं और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 6 और ट्राई कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस,
ये कह रहा है कि 25 प्लस 22 प्लस 19 इन सबका सम 116 है, 116 है, तो nth टर्म क्या होगी ये आपको निकालना है। तो इसके लिए इस सवाल को कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इफ 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस प्लस अप टू x इज 116, फाइंड x, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे और रिजल्ट हमारे हाथ में होगा। इसमें ए आइडेंटिफाई कर लें और डी आइडेंटिफाई कर लें। ए क्या चीज़ है आपकी, ये ए हो गया। डी क्या चीज़ है, डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस चेक कर लें। 22 माइनस 25 माइनस 3 और दिस माइनस दिस माइनस 3, दोनों से बराबर आ रहा है तो पक्का हो गया कि डी की वैल्यू ये होगी। ये किसका वैल्यू है, ये एस एन का वैल्यू है। एस एन क्या होता है आपके पास, एस एन होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। 116 इज इक्वल टू एन बाय टू, टू इंटू ए, ए क्या चीज है, 25, एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 3, टू भेज दें उधर तो ये हो जाएगा आपका 232 इज इक्वल टू एन, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 50 माइनस 3n प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 50 प्लस 3, 53 माइनस 3n स्क्वायर, और इधर आ गया आपके पास 232। सब टर्मों को, सारी टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर दें, तो जब आप सारी टर्म को उधर ट्रांसफर, सॉरी ये 50 प्लस 3 53 और ये n से मल्टीप्लाई होंगे 53n, तो सारी टर्म जब आपने इधर भेज दी तो आपके पास हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n और 232 ऑलरेडी वहाँ है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास 0। अब अपने को इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब तक n का वैल्यू नहीं आएगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल पे मत जाओ, आप स्प्लिटिंग मिडिल के चक्कर में ना पड़ के जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो लगा दो, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ, माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस 53 प्लस माइनस, अब थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, माइनस 53 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 232। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है पर कोई चिंता की बात नहीं है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 2 इंटू ए, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन जैसे आपको करना है वैसे मुझे भी करनी है, तो कैलकुलेशन के लिए आप पहले, सबसे पहले क्या निकाल दें, माइनस 53 का स्क्वायर यानी 53 इंटू 53, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 26, 9 0, ये हो गया आपका 617 और एक इधर से आएगा 8 2 8 0 9, तो ये आ गया आपके पास, एक वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, प्लस माइनस 2 8 0 9 माइनस, आपको इसको भी कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है आपकी, ये हो जाएगा 2 4 3 जा 12,
232 इंटू 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आपके पास आ गया 232। तो ये आपके पास आ गया है 4872, 2784 अपॉन में आ जाएगा 6। अब आपके पास आ गया 53 प्लस माइनस 2809 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो 16 प्लस 9 25, ठीक है, 16 प्लस 9 25। क्यों 16 प्लस 9 क्यों बोला मैंने, इसलिए बोला क्योंकि 2800 में से 2784 गए तो 16 बचे प्लस ये 9, तो ये आपका आ गया 53 प्लस माइनस 5 अपॉन 6। अब आप एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो देखें क्या आ जाता है आपके पास। तो प्लस साइन ले लें और एक बार माइनस साइन ले लें, तो ये हो जाएगा 53 प्लस 5 अपॉन 6 और दूसरा हो जाएगा 53 माइनस 5 अपॉन 6। तो पहले प्लस वाले को कैलकुलेट कर दें 58/6 और माइनस वाला भी कैलकुलेट कर दें, तो हो जाएगा 48/6, 6 8 जा, इससे ये कैंसिल हो रहा है क्या, पहले आप देख लो 6 से क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये कैसे आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। और ये किसकी वैल्यू है, व्हाट इज दिस n विच कैनॉट बी अ फ्रैक्शन, तो n की वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू है वो कौन सी है, 8 है। और tn क्या होगा, tn होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए क्या था आपका 25, एन क्या है आपके पास 8 है माइनस 1, डी कितना था माइनस 3 था, तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो ये हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2, और टाइम मेरे ख्याल से 42 मिनट्स से ज़्यादा हो गए हैं, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। एट्थ टर्म है ये 25 माइनस 7 3 जा 21, तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई t8, और लास्ट वैल्यू जो है nth टर्म वो भी आपकी यही है, दिस इज tn दिस इज x, दोनों एक ही चीज़ है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 2, हमने 6 किए। अगले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड करेंगे और देखते हैं हम 30 to 40 मिनट्स में कितना पार्ट उसका इंक्लूड कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने रहें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, विश यू ऑल द बेस्ट।